ओवैसी साहब ने अगर संसद के शपथ ग्रहण में, संसद में बतौर सांसद शपथ ग्रहण में अगर उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए तो आज आप लोग खुश तो बहुत होंगे कि वो जो कह रहे थे संसद में आज वो बात आगे बढ़ाते हुए लोग सड़कों पर उतर गए। और ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनको नक्शे पर अगर कह दिया जाए तो वो फिलिस्तीन ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर आज मुहर्रम के मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दिक्कत क्या है अनुराग आपकी, कि आप ये जो फलस्तीन के झंडे के पीछे की जो कॉन्स्पिरसी क्रिएट करने की बात कह रहे हैं, और आप बात क्या कह रहे हैं कि वो इसकी जय नहीं बोलते, उसकी जय नहीं बोलते। देखिए आपकी धार्मिक आस्था किसी में है तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारत की जय हम 100 बार बोलते हैं और 100 बार बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बीफ खाने के लिए, मीट खाने के लिए कहूंगा, जो अगर आपका मजहब आपकी इजाजत नहीं देता है तो आप खाएंगे क्या? दूसरे नंबर की बात, सारी दुनिया में, खुद अमेरिका में दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं है जहां पर फलस्तीन के पक्ष में लोग बाहर ना निकले हों, सड़कों पे ना निकले हों या झंडे के साथ बाहर ना निकले हों। लेकिन दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूएपीए उन पे लगाएगी जिनके हाथ में फलस्तीन का झंडा है, लेकिन कोल्हापुर में मस्जिद ढाने के लिए एफआईआर तक कराने की तस्दी नहीं लेगी जब तक मजलिस के लोग बाहर निकले। तो ये बताइए ये क्या कानून है, ये दो? अच्छा ठीक है, दानिश भाई आपने अपने शुरुआती कॉमेंट में कहा कि जिसको जो धार्मिक तौर पर ठीक लगता है वो वैसा करेगा। आप भारत जय बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो क्या माँ की जय नहीं बोलेंगे? ये आपका धर्म सिखाता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अरे मैं अपने पिता की जय बोलूं, अपने माता की बोलूं, अपनी बड़ी बहन की बोलूं, किसी की भी बोलूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। नहीं नहीं, व्यक्तिगत तो है, नहीं नहीं ये व्यक्तिगत तो है, नहीं नहीं दानिश भाई ये व्यक्तिगत तो है, लेकिन आप जिस धरती पर रहते हैं वो सार्वजनिक रूप से सबके लिए माता है। अरे हमारे लिए जमीन पैदा करने वाला खुदा है और सारी दुनिया का मालिक वही है, और उसका नहीं सातों आसमान का मालिक वही है। मतलब आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कुल मिलाकर बात ये नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपको कहूंगा कि आपका मजहब जिसकी इजाजत नहीं देता वो खाना खाएंगे आप? नहीं खाना, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, बात तो सीधी सी बात है, आपका मजहब इजाजत नहीं देता तो हमको हमारा मजहब इजाजत क्यों देगा? बड़ा देश होता है भाई साहब, देश प्रेम बड़ा होता है, बताइए ये देश बड़ा है। अरे आप देश, अरे अरे आप एंकर हैं, सौरभ दुबे आप एंकर हैं, आपका नाम एंकर है। अच्छा आपत्तिजनक है, मैं समझ गया। अच्छा क्यूनप से चल रहा है एंकरिंग, क्यूनप से चलाओगे एंकरिंग? नहीं आपका नाम एंकर है अनुराग, आपका नाम है, आप क्या देश का नाम है? नहीं सौरभ दुबे जी, एक मिनट सौरभ दुबे जी, मुझे लगता है कि एक एक करके बात करनी चाहिए। दानिश भाई अपना पॉइंट रख रहे हैं और वो बहुत बेबाकी से रख रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है वो अपनी बात कह लें, मैं तर्कों के हिसाब से समझना चाह रहा था। खैर मैं बहुत सिंपल सी एक चीज और दानिश भाई समझना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एस एन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या ये ऐसा है क्या कि कोई इकोसिस्टम ने काम किया और मुहर्रम के मौके पर सभी जय फिलिस्तीन या फिलिस्तीन के झंडे के साथ उतर आए? ये कोई मैसेज ट्रांसफर किया गया क्या, या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो बात कही संसद के अंदर, क्या उससे वो मैसेज ट्रांसफर हो गया क्या कि जो मुहर्रम के मौके पर, क्योंकि विनोद बंसल ये पूछ रहे हैं कि क्या रेलेवेंसी है जय फिलिस्तीन और मुहर्रम के मौके की, क्या रेलेवेंसी है? देखिए सबसे पहले तो विनोद बंसल साहब की कोई रेलेवेंसी? देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि विनोद बंसल या उनके सहयोगी जितने भी लोग हैं उनको एक एक चीज के बारे में पता ही नहीं है, फलस्तीन का जो पूरा मसला है, सारी दुनिया के मुसलमानों का जो उससे जुड़ाव है उसके पीछे का सबसे बड़ा, नहीं सर वो कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों से जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव जो है वो एक हिडन मोरल सपोर्ट आपको हमास को देना है, ये आरोप लग रहे हैं? अरे अरे उसके अरे उनके उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं हाँ। बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंस है वो बैतुल मुकद्दस का है, और बैतुल मुकद्दस जो तीन मुकद्दस जगह है इस्लाम के अंदर में, उसमें से सबसे पहला किबला अव्वल जो है वो हाँ। बैतुल मुकद्दस जो है वो सबसे मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, और सारी दुनिया में वो इसी के लिए अमन अमान कायम हो इसकी दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। दानिश भाई फिर आप चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं, सुनिए ऐसा है ना कि गाजा स्ट्रिप पर लड़ाई चल रही है, गाजा स्ट्रिप पर लड़ाई चल रही है, जिस जमीन को लेकर या जिस मस्जिद को लेकर आप लोग बात करते हैं वो इसराइल अपना पार्ट बताता है, तो वो अगर तो आप इंसानियत की जंग लड़ रहे हैं, अगर तो आप इंसानियत की बात कर रहे हैं तो उसको अलग कीजिए, और अगर आप मुकद्दस जगह की जंग लड़ रहे हैं, अगर जमीनी जंग लड़ रहे हैं, जमीन को लेकर जंग लड़ रहे हैं या अपनी मस्जिद को लेकर जंग लड़ रहे हैं, तो वो एक अलग जंग है, वो धार्मिक है, ये दोनों अलग अलग चीजें सर। नहीं सुनिए अरे सुनिए, अगर वो धार्मिक है तो जो है ये आपके सामने है, लेकिन गाजा के सुनिए मैं आपको बताऊं, हाँ। अगर बोलिए ना,
गाजा की आप बात कर रहे हैं तो बैतुल मुकद्दस में नंबर ऑफ टाइम्स अंदर इजराइल की सेना ने गैर कानूनी तरीके से अंदर दाखिला किया है जिसको लेकर तशद्दुद हुआ है। तो हम अमन की तो बात कर रहे हैं कि भाई अमन और शांति नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है ना, आपकी ये दिक्कत है, लेकिन 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 हमास हमास जैसे आतंकी संगठन को हमास जैसे आतंकी संगठन को आप उस मुकद्दस जगह के लिए हमले की इजाजत नहीं दे सकते ना। और फिर अगर तो बात इस बात की कि इंसानियत पर सारी चीजें हो और इंसानियत के लिए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे तो इगर मुसलमानों पर कभी कुछ क्यों नहीं कहते? पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम मुस्लिम पर ही अटैक करता है उस पर कभी क्यों नहीं कहते? वहां लोग मारे जाएंगे तो वहां पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहां पर अगर फिलिस्तीन की बात होगी तो यह हमारा सिलेक्टिविज्म है कि हम भारत के अंदर मुहर्रम के मौके पर भी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएं? क्यों दानिश भाई, ऐसा ही है क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि भाई हमने कोशिश की कि रमजान के अंदर में वहां पर जो है जंग रुके या दिक्कतें कम हो, और दूसरी तरफ इसराइल को आप गोला बारूद भी दे रहे हैं। तो ये हाँ। ये जो ये चीजें हैं ना, ये भारत नहीं, नहीं तो दानिश भाई अभी अभी आज की खबर है $2.5 million की मदद भेजी है फिलिस्तीन के लिए। हाँ वही कह रहा हूँ, एक तरफ आप गोला लेकिन शांति चाहने के नाम पर हमास को थोड़ी समर्थन दे देंगे। गोला बारूद भेजने से शांति होगी तो हमास को समर्थन देते हैं? मैं कह रहा हूँ सब छोड़िए ना, आप हमास को समर्थन देते हैं क्या? आप हमास को समर्थन देते हैं क्या? लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग भी हैं, हमास को समर्थन देते हैं क्या? हम तो किसी तरह की लड़ाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ। हम ये कह रहे हैं कि शांति जो है गोला बारूद से होगी। हाँ। नहीं तो क्या हमास को समर्थन देंगे? क्या हमास को समर्थन देंगे क्या? नहीं, गोला बारूद से शांति होती है तो आप मुझे बताइए। नहीं तो अरे सर क्या, ये तो इतिहास रहा है, अगर अगर कोई जंग के लिए आपको ललकारेगा, कल कोई आपको घर में घुस के मारेगा तो आप क्या बोलेंगे? नहीं हमें शांति चाहिए, हाथ जोड़ के शांति के। अरे कुछ ना कुछ तो स्टेप लेंगे ना। ठीक है दानिश भाई, ठीक है सॉरी, मैं एक चीज के पास एक चीज लेकर जाता हूँ एसएन सिंह के पास। एसएन जी मुझे ये बताइए कि क्या जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या जो फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या इसकी पटकथा असदुद्दीन ओवैसी नहीं लिखी है क्या? कई लोगों को तो फिलिस्तीन के अभी अभी अगर हम बोले तो कई लोग जो झंडा लहरा रहे हैं वो फिलिस्तीन ढूंढ नहीं पाएंगे, नक्शे में कहां है इसराइल और फिलिस्तीन का अंतर नहीं बता पाएंगे, लेकिन ले गए झंडा, उतर गए मुहर्रम के मौके पर कि हाँ भाई फिलिस्तीन जिंदाबाद। बिल्कुल अनुराग जी, क्या होता है, तन कहीं और मन कहीं जब होता है ना तो ऐसे ही होता है। आपने एक सवाल पूछा था कि भारत का झंडा लेने में क्या दिक्कत है, भारत का झंडा तो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा, भारत माता की जय कहिए, भारत का झंडा लीजिए, लेकिन नहीं भारत का झंडा नहीं लेंगे। अभी हमारे दानिश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हमारे लिए देश बड़ा नहीं है, हमारे लिए धर्म बड़ा है, तो ऐसा देश तो ढूंढना पड़ेगा जहां व्यवस्था धर्म के आधार पे चलती हो। ये तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धर्म के आधार पे तो व्यवस्था नहीं चलती है, यहाँ तो जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए समान है। और मुझे लगता है भारत में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो किसको बड़ा किसको छोटा माना जाए। तो मुझे दानिश भाई को यही कहना होगा कि आप धर्म के आधारित व्यवस्था को थोड़ा कम करिए, भारत आधारित व्यवस्था को मानिए, संविधान को मानिए, राष्ट्र को मानिए। लेकिन लेकिन सर एसएन सिंह सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्योंकि इससे पहले भी मातम के लिए जुलूस निकले, मैं आ रहा हूँ दानिश भाई, इससे पहले भी मातम के लिए जुलूस निकले, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगना या फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगना या कुछ आपत्तिजनक धार्मिक नारे लगना, क्या किसी इकोसिस्टम का हिस्सा नजर आता है क्या आपको? क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है क्या? अनुराग जी, जब दानिश जी के पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, संसद में लेते हैं, और भारत के प्रति कृतज्ञता न व्यक्त करते हुए फिलिस्तीन के प्रति लेते हैं, तो उस दिन नहीं दिखता है कि इनके सहयोगी, इनके समर्थक, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले इस तरह की बात को करेंगे और आगे कहेंगे? तो मुझे लगता है जिस पार्टी के नेता ने जब एक धर्म की पार्टी बनाई, एक धर्म के लिए कार्य करना शुरू किया, एक धर्म की बात करना शुरू किया, एक धर्म के लिए चुनाव लड़ेगा, और खास करके भारत को छोड़ के धर्म पे आधारित, चाहे वो आतंकवादी हो, अपराधी हो, कोई ऐसा संगठन हो, कल को धर्म पे आधारित जो आतंकवादी संगठन है, कल को बहुत सारे लोग हमें लग रहा है दानिश भाई की तरह उसका भी समर्थन करने लगेंगे कि वो तो मुस्लिम है और हमारा धर्म मुस्लिम है, इस नाते हम उसके साथ हो जाएंगे। मुझे तो दानिश भाई से अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है कि धर्म पे आधारित अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो कृपया आप उसका साथ मत दीजिए, बल्कि अगर आपके धर्म पे आधारित, क्या ये ऐसा लगता है कि जो जय फिलिस्तीन